मुझसे सवाल करेंगे कि इसमें तो बारिश नहीं होगी। इसके अलावा भी हमारे पास चार डेरीज है जिस पर हम काम करते हैं। 2010 में जब अताबाद टूटने वाला था, हमने लोगों को मौसम है इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, उस बेस पे ये थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम हसामुद्दीन है और मैं गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ एज असिस्टेंट डायरेक्टर हेडक्वार्टर में काम कर रहा हूँ। हमारा गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, UNDP ग्लाफ 2 और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की तरफ से एक प्रोजेक्ट गिलगित बल्तिस्तान और KPK में चल रहा है, जिसको हम ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट कहते हैं। इस ग्लाफ 2 के अंडर हमारे यहाँ गांछे डिस्ट्रिक्ट में दो वैलीज आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें से एक बड़ा वाला नाला है और एक गांछे नाला है। इसमें ग्लाफ 2 के अंडर 2023 के लिए जो एक्टिविटीज़ हमने इस वैली में किए हैं, उन वैलीज़ में होने वाली एक्टिविटीज़ के प्रोग्रेस शेयर करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेक होल्डर्स कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन वर्कशॉप रखा गया था, जिसमें हमने कोशिश की है कि यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और यहाँ की कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो कमेटी बनी है, उनके साथ मिल के उनको ये प्रोग्रेस शेयर करें, उनके जो इश्यूज़ हैं उनको सुने और उनका जो मुमकिना जो उनके हल है वो कम्युनिटी के साथ शेयर करके उनका कोई हल निकालें। तो इस सिलसिले में यहाँ पर हम हाजिर हुए थे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन एक्शन प्लान और सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स और फिर स्कूल और कॉलेजेस में ग्लाफ हैज़र्ड से मुतल्लिक जो भी मालूमात थी वो देने के लिए वक्तन फवक्तन हम यहाँ पे आते रहे हैं। थैंक यू। ये हमारा सितंबर का प्रेडिक्शन है और लास्ट वाला हमारा अक्टूबर का प्रेडिक्शन है। तो इनके प्रेडिक्शन मॉडल के हिसाब से हमारे जो सितंबर में